पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे का अभी मीन्स ये यहाँ पर जब बच्चा जन्म होता है तो यहाँ पर बच्चे के सर के बिल्कुल ऊपर टॉप पर एक ऐसा प्लेस होती है, ऐसी जगह होती है जो कि भरी हुई नहीं होती है, जिसको कि आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट महसूस करोगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और कभी कभी आपको उसमें मूविंग या कुछ किसी प्रकार की हलचल सी आपको उसमें महसूस होती रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि ये हर बच्चे में सामान्य होता है या नहीं होता। अगर ये मूव कर रहा है तो कोई खतरे वाली बात है, या फिर ये कितने टाइम तक फेल होता है, तो ये सारी ही बातें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी से संबंधित किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी हेल्प, जिसका कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि अगर आप सेकेंड बेबी प्लान करोगे या फर्स्ट बेबी प्लान करोगे, या आपके आसपास कोई भी आपका है जो जानकार जो आपकी जो फ्रेंड्स अगर वो कंसीव होना चाह रही हैं या कंसीव कर लिया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो चैनल हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर बच्चे का ये सॉफ्ट एरिया है, जिसको कि हम बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉट, ठीक है, नॉर्मल भाषा में जो ये एरिया होता है सॉफ्ट स्पॉट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, या फोंटानेल भी बोलते हैं, सॉफ्ट स्पॉट फोंटानेल, ये इनके वर्ड्स हैं जिसको कि हम साइंस की भाषा में बोलेंगे, ठीक है। तो ये हर बच्चे का यहाँ पर खुला रहता है। एक्चुअली ये दो जगह होता है बच्चे का, जिसमें कि हम एक जगह तो इसे अच्छे से फील कर पाते हैं, लेकिन जो दूसरी प्लेस होती है इसकी, वो बहुत ही उसको फील कर पाना या देख पाना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर इसको दिखाई ही दूंगी कि क्या एक्चुअल जगह होती है, एक तो यहाँ पर और एक होता है बच्चे के पीछे सर पर। तो यहाँ पर दो जगह बच्चे का जो सर भरा हुआ नहीं होता, मीन्स जो हड्डियाँ हैं वो भरी हुई नहीं होती हैं, एक यहाँ पर और पीछे, ये स्पेस खाली रहता है और ये धीरे धीरे ही फिल होता है हर बच्चे में। किसी बच्चे में थोड़ा जल्दी फिल हो जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये फिल हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे एंटीरियर, जो बिल्कुल टॉप पर है, एंटीरियर फोंटानेल, और जो पीछे जो जगह खाली होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटानेल, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स होती हैं जो कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह होते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, पीछे वाली और आगे वाली। जब बच्चा बहुत ज़्यादा नवजात होता है, छोटा बच्चा होता है, तब आप उसका सर अगर हाथ में ले रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से आप उसको लें। साथ ही साथ अगर आप बच्चे के सर के नीचे किसी प्रकार का पिलो या कपड़ा लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना पड़े। अब आप में से ही जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैम मेरा बच्चा एक साल का हो गया है और अभी तक उसका ये वाला पोर्शन नहीं फिल हुआ है, क्या ये सोचने वाली बात है या फिर टेंशन लेने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, किसी किसी बच्चे में ये 7-8 महीने तक आराम से फिल हो जाता है, किसी किसी बच्चे में एक साल भी लग जाता है, यानी एक साल से 1.5 साल तक भी इसको अच्छे से फिल होने में लग जाता है। तो अगर आपके बच्चे का फिल नहीं हुआ है तो घबराइए मत, ये कम से कम 1-1.5 साल या 15-16 महीने इसमें लग सकते हैं इसको अच्छे से फिल होने में, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हड्डियाँ आपस में जुड़कर इस चीज़ को फुलफिल कर लेती है, मीन्स ये भर जाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर और पीछे बच्चे के कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड टच ना करें, बहुत ज़्यादा हार्ड टच ना होना नहीं चाहिए। अगर आप बच्चे के सर में ऑयलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर इस एरिया को बहुत सेंसिटिव माने, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना, हल्के से बच्चे को ऑयलिंग करना है। मीन्स जब तक ये आपको नहीं लग रहा कि ये फिल नहीं हो रहा है, तब तक आपको बहुत ज़्यादा छिड़कानी इस चीज़ से नहीं करनी है, वो धीरे धीरे अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। ये हर बच्चे को होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, किसी किसी बच्चे में कम दिखाई देगा, लेकिन होता सबका है, और एक टाइम पीरियड बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही फिल हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड पिलो ना यूज़ करें और बहुत ज़्यादा हार्ड टच आप खुद बच्चे को ना दें।
एक और बात ध्यान रखिए कि ये कभी कभी आपको वाइब्रेट यानी आपको इसमें वाइब्रेशन दिखाई देगा, मींस आपको ये बच्चे की जो ये वाली एरिया है वो आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, अप एंड डाउन इस तरीके से हल्के हल्के वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी। तो आप घबराएं नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें आप टेंशन ना लीजिए। कभी कभी ये बिल्कुल स्किन के लेवल में दिखाई देगा, कभी कभी ये बिल्कुल धंसा हुआ मीन्स आपको आराम से गड्ढे जैसा दिखाई देगा, मीन्स धंस गया है। अगर इस तरीके की पोजीशन आपको नज़र आ रही है तो समझ लीजिए बच्चे में पानी की कमी है, या किसी या बच्चा फीड नहीं ले रहा है, या बच्चे में किसी प्रकार से तरल पदार्थ की कमी हो गई है, या बच्चे को डायरिया हो गया, या लूज मोशन हो गया, या बच्चा वाटरी पॉटी कर रहा है, तो तब ये आपको थोड़ा सा धंसा हुआ नज़र आ सकता है। तो इसको लेकर भी आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये ऐसा धंसा हुआ क्यों है, या फिर ये वाइब्रेशन क्यों कर रहा है, या फिर अभी तक क्यों नहीं फील हुआ है, ये इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, या 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। जैसे कि मैंने बताया 1 साल से 1.5 साल तक का टाइम इसको फील होने में लग सकता है। बच्चे की ग्रोथ के साथ धीरे धीरे ये अपने आप ही अपना जो एरिया को स्पेस को फुल कर लेता है, जैसे कि बताया मैंने आगे और पीछे दो जगह होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो माय डियर मॉम्स, अब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम ये जो बच्चे का ऊपर का तालू है, जिसे हम सामान्य भाषा में तालू बोलते हैं, कि तालू नहीं भरा है या तालू हिल रहा है ना, तो इसको हम सामान्य भाषा में तालू बोलते हैं। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने रिप्लाई इसमें दे दी हूँ। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है आपको अपने बेबी के साथ, तो बिल्कुल मत घबराइए, निश्चिंत रहिए और कोशिश करिए कि उस एरिया को आप बहुत ज़्यादा टच ना करें। तो माय डियर मॉम, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट करते ज़रूर रहिए। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मुझे अपनापन लगता है। लेकिन हाँ एक बात, और अगर किसी मैसेज का मैं रिप्लाई करना भूल जाऊँ तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होने की वजह से फिर उनका रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप कमेंट करते रहिए, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर सकूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और सेल्फ फैमिली से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।